मैं जानती हूँ आप में से बहुत लोगों को सैलड बिल्कुल पसंद नहीं आता है, पर आज जो मैं सैलड बना रही हूँ ना, मेरी गारंटी है कि आपको पक्का पसंद आएगा। मैं आज बना रही हूँ हमस पास्ता सैलड। जनरली हम पास्ता अलग से खाते हैं और हमस अलग से खाते हैं, बिकॉज हमस मेडिटेरियन कुजीन है और पास्ता तो हम सब जानते हैं कि इटालियन कुजीन है। पास्ता सैलड के लिए हम जनरली पास्ता में कुछ ना कुछ ड्रेसिंग डालते ही हैं, जो मेयोनीज बेस या क्रीम बेस होता है, पर आज मैं हमस ऐड कर रही हूँ, जिससे काफ़ी हेल्दी पास्ता सैलड बनेगा ये। और हमस तो वैसे भी हम पीता ब्रेड के साथ खाते हैं, तो वो कार्ब्स हम वैसे ही हमस के साथ लेते हैं। तो शुरू करते हैं बनाना। मैंने यहाँ पे ये प्री बॉइल किया हुआ पास्ता लिया है। अब सैलड के लिए मैं पास्ता आल दंते नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो वापस कुक नहीं होने वाला है, तो मैं फुल्ली कुक पास्ता ही लेती हूँ। और आप कोई भी शेप एंड साइज़ के पास्ता ले सकते हैं। और दूसरा, ये मैंने हमस बना के रखा हुआ है। हमस बेसिकली चिकपी से बनता है, जो छोले हम खाते हैं उससे बनता है, और मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी आपको आराम से मिल जाएगी। इसके काफ़ी वीडियोस मैंने, आई थिंक 2-3 वीडियोस डाले हुए हैं हमस के, तो बहुत आसान है बनाना। मिक्सी ही आपका सारा काम कर देती है। मैं एक मिक्सिंग बोल ले लेती हूँ और उसमें मैं पहले 3 टेबल स्पून हमस लेती हूँ। ये सिंपल वाला हमस है जो चिकपी से बनता है, जिसमें कोई दूसरी मैंने फ्लेवर नहीं डाली है, जैसे पम्पकिन होता है, बीटरूट होता है, वैसा कुछ नहीं है। अब हमस काफ़ी थिक होता है, तो इसको मैं डाइल्यूट करने वाली हूँ, मतलब कि इसको थोड़ा सा हम पतला करेंगे ताकि पास्ता को कोट कर सके हम। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आलमंड मिल्क लिया हुआ है। इसकी जगह पे मैं नॉर्मल मिल्क प्रीफर बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि हमस के अंदर गार्लिक होता है, तो गार्लिक के साथ मैं नॉर्मल वाला दूध थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, बिकॉज ये कच्चा रहता है। इसको हम पकाते नहीं हैं, वाइट सॉस की तरह बनाते नहीं हैं। अगर वाइट सॉस की तरह कुक करना है तो आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, पर आलमंड मिल्क की जगह पे आप सोया मिल्क ले सकते हैं, आप पतली सी नॉर्मल बटर मिल्क ले सकते हैं, जैसे छाछ होती है ना, कि दही को पानी में मिक्स करके आप वो यूज़ कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं है तो आप नॉर्मल पानी भी यूज़ कर सकते हैं। इट जस्ट दैट कोई भी मिल्क होगा वो थोड़ा सा टेस्ट इन्हांस करेगा। वैसे हमस में तो नमक होता ही है, पर फिर भी मैं थोड़ा सा और नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसके अंदर काफ़ी सारे कच्ची सब्जियाँ भी ऐड करने वाली हूँ, तो थोड़ा नमक हम ऐड करेंगे। और अब मैं ये सैलड ड्रेसिंग को मिक्स कर देती हूँ हमस को आलमंड मिल्क के साथ। कंसिस्टेंसी ये हमस की बिल्कुल ऐसी पतली सी पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो ही ये पास्ता को कोट कर पाएगा आराम से। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़े से चिली फ्लेक्स, और अब मैं ऐड कर देती हूँ ये प्री बॉइल्ड पास्ता। ये मैंने 1 कप पास्ता लिया हुआ है, और पास्ता के साथ ही मैं कुछ सब्जियाँ भी ऐड कर देती हूँ। ये मैंने ककड़ी ली हुई है, हम बहुत बारीक कट नहीं करेंगे इसके अंदर, बड़ी बड़ी सी ही ककड़ी रखेंगे, और कुछ मैं रहने देती हूँ, क्योंकि ये सैलड के ऊपर से जब हम डेकोरेट करते हैं तो ये सैलड बहुत सुंदर लगता है। और कुछ ये मैं डाल देती हूँ, मेरे पास चेरी टमेटोज़ है, आप नॉर्मल टमेटोज़ भी यूज़ कर सकते हैं, और ऑलिव्स। ये मैंने प्याज लिया हुआ है, ये भी लंबी लंबी स्लाइस में, पतली पतली स्लाइस में काटा हुआ है, मैं ये प्याज ऐड कर देती हूँ। और ये मेरे पास पार्सले है फ्रेश वाली, मैं ये ऐड कर रही हूँ, आप ड्राइड पार्सले भी यूज़ कर सकते हैं, मिंट भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और कुछ नहीं तो मेरा फेवरेट धनिया तो जिंदाबाद है ही। और अब सारी चीज़ों को मैं मिला लेती हूँ। ये बहुत ही क्विक वाला सैलड है, आप इसको लंच डिनर कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, ये एक परफेक्ट मील है। ये पास्ता सैलड तो बस बातों बातों में तैयार भी हो गया है, मैं इसको सर्विंग प्लेट पे ले लेती हूँ। और यही सारा जो कटा हुआ सैलड है, सब्जियाँ हैं,
हम ऊपर से वापस से रख देंगे। आप कोई भी सब्जी जो आपको पसंद नहीं है वो अवॉइड कर सकते हैं, आपको जो पसंद ज़्यादा है आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऑलिव्स भी ऐड कर देती हूँ मैं। हमस के साथ ना ऑलिव्स बहुत अच्छे जाते हैं, और चेरी टमेटोज, और ये अनियन भी मैं रख देती हूँ स्लाइस किया हुआ, और पार्सले, कुछ चिली फ्लेक्स भी ऐड कर देते हैं। और अब लास्ट में मैं यहाँ पे भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड करती हूँ। अभी कोई बोलते हैं कि हमस के साथ कभी जीरे का पाउडर नहीं होता है, पर ट्रस्ट मी, हमस के साथ भुने हुए जीरे का पाउडर बहुत ही अच्छा लगता है। तो लीजिए, तैयार है अटरली डिलीशियस हमस पास्ता सैलड। मिडिल ईस्ट एंड इटली की इतनी टेस्टी हमने जोड़ी बनाई है, सुपर सैलड।